हाँ जी नैक्सट टाइम अस्यू देखो ना कि अपने को जो कोई भी एक नंबर रूट दे रखा हो इनफाइनट तक, ठीक, मतलब रूट ऑफ 42 प्लस फिर रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस अप टू डैश इनफिनिटी, ठीक है, रूट के इनफिनिटी, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। सो इन प्रॉपर तरीके एक्सप्लेन कर दें, देखो ये चार ऑप्शन है। सो इन इज इक्वल टू पुट कर लो एक्स, तो ध्यान एक चीज़ याद रखनी कि जो भी कोई नंबर जितों रिपीट होना पे, जितों रिपीट होने लग पे, ठीक है, तो उसनू इज इक्वल टू एक्स पुट कर दो, ठीक है, जितों रिपीट होने लग पे उतों ही उन्हों एक्स पुट कर दो उतों, ठीक है, उतों ही एक्स पुट कर दो। तो एक्स तां पुट किया क्योंकि आप पूरी टर्म एक्स के इक्वल रखे है, जे आप पूरी टर्म वाई द इक्वल कर दे तो फिर आप वाई पुट कर दें, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू पहले आप लिख लें 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस अप टू इनफिनिटी, है ना। हम देखो इन एक्स से इक्वल पुट किया, हम देखो 42 रिपीट होने लग पे सैकेंड नंबर तो, ठीक है, सैकेंड तो रिपीट हो रहा। सो इट मीन सैकेंड टर्म तो बाद जिन्हें भी नंबर है उन्होंने बाकी पुट करेंगे एक्स, यानी ए बनू एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 42 प्लस एक्स, ओके, फिर करो स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो बनू एक्स स्केयर इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स आजगा, ये दोनों नंबर इधर मूव कर दो, माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन आप सॉल्व कर सकते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कह लो या फिर इनू कह लो फैक्टराइजेशन मैथड, फैक्टराइजेशन मैथड। सो दो नंबर लगने जी मल्टीपल कि माइनस 42 आए प्लस करिए तो माइनस 1 आए, सो दो नंबर कड़े एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सो इन्हों दोनों जो एक्स कॉमन ले लो तो इतने बचे एक्स माइनस 7, इतों प्लस 6 कॉमन ले लो तो बचे एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो इन्हों की ग्रुपिंग कर दो, सो इन्हों की ग्रुपिंग होएगी एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू माइनस 6 आ गई तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, सो 7 एंड माइनस 6 मिल रहा आपको ऑप्शन नंबर सैकेंड में।